ट्वेल्थ का इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए क्लास ट्वेल्व का जो भी वीडियो हम आपको बना रहे हैं सब सीरियली अरेंज किया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है वीडियो वन, वीडियो टू, वीडियो थ्री। तो दो वीडियो हम पीछे बना चुके हैं, आज तीसरा वीडियो है और सब शुरू से बनाया गया है, यानी कि जहां मन तहां से वीडियो बनाया जा रहा है ऐसा कोई बात नहीं है, सब सीरियली अरेंज करके मैं बना रहा हूँ, इसलिए आप सीरियली पढ़ सकते हैं घर पर भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब विद्युत की थ्रू आज का एक टॉपिक है। देखिए जैसा कि कल आपको बताया गया था कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, दोनों समझाए थे हम, तो उसके कारण तीव्रता कैसे निकालना है उसके बारे में समझा रहा हूं। जैसे मान लिया जाए दो चार्ज, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज और इनका डिस्टेंस। अब ध्यान से देखिए डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इसको बोलते हैं, और इसका दो चार्ज है माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज है, और ये जो लेंथ है इसको क्या बोलते हैं डाइपोल लेंथ। तो ये डाइपोल के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, कैसे निकालेंगे पहली बात समझ लीजिए कि डाइपोल है तो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम तीन पॉइंट पे निकालते हैं। ये डाइपोल हो गया तो इसका जो मिड पॉइंट होता है, जो बीच का बिंदु होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द डाइपोल, मतलब द्विध्रुव का केंद्र। अब यहां से एक लाइन अगर हम वर्टिकल लाइन ऐसे खींचे तो आप देखिएगा, जैसे मैथ को करते हैं आप देखिए एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, उसी तरह से हो जाएगा आपका। तो आप इसको मान लीजिए एक्स एक्सिस, इस लाइन को एक्स एक्सिस मान लिया जाए और वर्टिकल जो लाइन है इसको मान लिया है वाई एक्सिस, दो एक्सिस है। अगर इस एक्सिस एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे, कहीं भी किसी पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं तो वह एक्सेल पॉइंट कहलाएगा। मतलब क्या कि एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे अगर आप पॉइंट लेते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो वह एक्सेल पॉइंट है। दिस इज द एक्सेल पॉइंट, दिस इज एक्सेल पॉइंट, दिस इज एक्सेल पॉइंट, दिस इज एक्सेल पॉइंट, दिस इज द एक्सेल पॉइंट, ये सारा जो पॉइंट है सब एक्सेल पॉइंट है। तो एक कंडीशन ये होता है कि आप एक्सेल पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हो। दूसरा कंडीशन इसमें कि जो वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल एक्सिस। तो इक्वेटोरियल एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर आप ज्ञात कर सकते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी ज्ञात कर सकते हैं। इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, इस पॉइंट को बोला जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट, ये भी पॉइंट को बोला जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट, ये भी इक्वेटोरियल पॉइंट है, ये भी इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो इक्वेटोरियल कोई इक्वेटोरियल एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। हमने दो चीज बताया आपको, या तो एक्सेल पॉइंट पे निकालेंगे और दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालेंगे। इन दोनों एक्सिस, देखिए ये दो एक्सिस है, या तो इस पे निकालेंगे हम एक बार में पहला कंडीशन, दूसरा में इस पे निकालेंगे, दो हो गया। अब तीसरा में क्या है कि ऐसा पॉइंट लीजिए जो ये दोनों एक्सिस पे नहीं हो, जैसे यहां पर कोई पॉइंट लीजिए आप, तो यहां पर लीजिएगा तो ये कोई भी एक्सिस पे नहीं है, इस पे भी नहीं है और इस पर भी नहीं है, तो इसको बोलेंगे एनी पॉइंट, अन्य बिंदु नहीं, ये एनी पॉइंट है। तो यहाँ भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ भी पॉइंट लीजिएगा कि कोई भी एक्सिस पे नहीं है इसलिए इसको भी अन्य बिंदु कहा जाएगा, ये भी अन्य बिंदु है, ये भी अन्य बिंदु है। यानी क्या हुआ कि डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पढ़ना है वो तीन पॉइंट का ज्ञात कर सकते हैं, पहला एक्सेल पॉइंट, दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट और तीसरा एनी पॉइंट।
इसको बोलते हैं अक्ष बिंदु, ये निरक्ष बिंदु, इक्वेटोरियल बिंदु निरक्ष बोलाता है, ये निरक्ष बिंदु, और इसको आप इसको अन्य बिंदु कह सकते हैं। तो इस बात ध्यान रखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीन पॉइंट आप निकाल सकते हैं, अक्ष बिंदु पर, निरक्ष बिंदु पर और अन्य बिंदु पर। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे हम अक्ष बिंदु पर, इसको पढ़ लेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे निरक्ष बिंदु पर, और इसके बाद पढ़ेंगे अन्य बिंदु पर। तो चलिए हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं, जो बताया गया कि विद्युत ध्रुव के कारण उसके अक्ष बिंदु पर विद्युत लिखा हुआ, विद्युत क्षेत्र शॉर्ट लिखा हुआ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या सिंपली विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं, उसे दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये फर्स्ट कंडीशन में पढ़ा रहा हूं, कुछ सपोज कर लेते हैं हम लोग। क्या सपोज कर लेते हैं, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट एक्सियल पॉइंट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड, कंफ्यूज मत करिएगा, शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ। इसको हिंदी में मैं बोल देता हूं, आप लिख लीजिए। माना कि एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू 12 वेक्टर है। इसके केंद्र O से R दूरी पर एक अक्ष बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। देखिए फिगर डायग्राम को देखिए ध्यान से आप। देखिए हमने माना है चार्ज क्यू है और डाइपोल मोमेंट 12 है, और डाइपोल मोमेंट की वेक्टर। तो आप ध्यान देखिए, ये आपका हो गया दो चार्ज, ये हो गया माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, और ये हो गया इसका सेंटर ओ। देखिए डाइपोल लेंथ को 12 मानते हैं, इसका आधा लंबाई होगा एल होगा, यहां भी एल होगा क्योंकि पूरा लंबाई 12 होता है। अब जो है ये एक्सिस है, अब इस एक्सिस के इसको आगे बढ़ाइए या इधर आइए, इससे मतलब नहीं कि एक्सिस के कोई भी पॉइंट
जहां पर इच्छा इस अक्ष के सिद्ध में या अक्ष पर होना चाहिए, इसके सिद्ध में कहीं भी कोई बिंदु लीजिएगा तो अक्ष बिंदु कहलाएगा। तो मान लिया जाए कि यहां पे एक बिंदु है, तो मैंने नाम दिया है टी बिंदु, तो यह अक्ष बिंदु है। देख लीजिए इस अक्ष के सिद्ध में है कि नहीं, अक्ष बिंदु होगा, और इधर कोई लाइन रहेगा तो उधर बिंदु को निरक्ष बिंदु कहा जाएगा। तो ये अक्ष बिंदु है, इसी अक्ष बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए आप मान लिए लेट कर लिए हैं कि ये बिंदु P है अक्ष बिंदु, और इसका सेंटर O से इसकी दूरी को R मान लिया गया है। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बात याद रखिएगा, जो डायपोल का जो सेंटर होता है वो सेंटर से ही डिस्टेंस को मेजरमेंट किया जाता है, उसको मानते हैं हम लोग, क्योंकि सेंटर को ओरिजिन की तरफ भी हम लोग करते हैं। इसका सेंटर ओ से जो है इसके डिस्टेंस जहां तक वो फाइंड करना है उसकी दूरी को आर मानते हैं। मान लीजिए आपको यहां फाइंड करना है तो आर यहां से यहां तक लेते हैं, या यहां पे फाइंड करना है तो आर यहां से यहां तक लेते हैं, या इस तरफ करके तो आर यहां से यहां तक लेते हैं। मतलब वो बिंदु से जो है जो मिड पॉइंट है वहीं से आर को लोग मानते हैं। अब देखिए अगर आप आर मान लीजिएगा तो बताइए कि यहां से यहां तक जो लंबाई है एल है, देख लीजिए यहां यहां से यहां तक लंबाई एल है, जब एल है तो कितना हो जाएगा, कितना बचेगा, आर में से एल को घटा दीजिएगा तो एल बचेगा। फिर देखिए यहां से यहां तक आर है और ये वाला एल है, तो आर में से एल को घटा दीजिएगा तो ए बचेगा लंबाई, यानी कि आपका क्या बचेगा, यहां से यहां तक क्या बचेगा, आर में से एल घटाना है, आर में से बचेगा। ओके, उसी प्रकार देखिए यहां से इसकी लंबाई कितनी है, पी बिंदु से यहां की लंबाई, तो यहां से यहां तक लंबाई आर है, देख लीजिए यहां से यहां तक आर है, यहां से भी आप यहां तक आर और यहां एल है, तो क्या हो जाएगा यहां से यहां तक आर प्लस एल, यानी कि इसकी लंबाई जो होगा आपका हो जाएगा आर प्लस, इसको आप अच्छा से मान लीजिएगा। अब बताइए ये प्लस क्यू चार्ज है और ये है माइनस क्यू चार्ज, तो इस बिंदु पर प्लस क्यू इसको हम कर लेते हैं, माइनस मत देखिए आप, प्लस क्यू आगे इस कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, तो आपको पढ़ाया गया है जैसे प्लस क्यू चार्ज रहेगा इस पॉइंट पे तीव्रता डायरेक्शन दिखाना है तो बाहर की वैसे होता है, यहाँ पे दिखाना है तो ऐसे होता है, आउटवर्ड होता है, अगर ये निगेटिव रहता है ऐसे तो अंदर क्यों होता है, ये पढ़ाया गया है आपको। तो यहाँ देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे तीव्रता का जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की वैसे होगा, देखिए इस तरह से इसको E1 नाम दे दिया जाए, मान लिया E1 ये है प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता यहाँ पे। अब इसको आप माइनस हटा दीजिए, मान लीजिए कि नहीं है, इसको माइनस प्लस क्यू चार्ज को आप हटा दीजिए। अब इसको देखिए माइनस क्यू चार्ज ये नहीं बीच में मान लिया जाए सर, तो माइनस क्यू चार्ज का यहाँ पर तीव्रता कैसे होगा, क्योंकि तो माइनस क्यू चार्ज देखिए माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे है, माइनस क्यू आवेश कारण यहाँ पे तीव्रता जो होगा, आपको पढ़ाया गया था पिछले क्लास में कि माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता किसी पॉइंट पे निकलना है तो माइनस चार्ज की तरफ ही होता है ऐसे, अगर यहाँ पे निकलना है तो चार्ज की तरफ ही ऐसे होगा ऐसे, देखिए तो आपको बताइए कि यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पॉइंट पी है, तो यहाँ पे जो तीव्रता का डायरेक्शन होगा वो माइनस चार्ज की तरफ, यानी कि ऐसे होगा, देखिए तो यानी कि ये डायरेक्शन ऐसे होगा जिसका नाम दिया गया है E2 वेक्टर। तो E1 वेक्टर प्लस क्यू आवेश कारण तीव्रता और E2 वेक्टर माइनस क्यू आवेश कारण तीव्रता, यानी कि P पॉइंट पे जो है दोनों आवेश कारण जो है विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, एक E1 है एक E2 है, लेकिन E1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, परिमाण ज्यादा होगा, E2 का कम होगा, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज नजदीक है P पॉइंट से और माइनस क्यू चार्ज क्या है बहुत दूर है, इसलिए इसका मान जो होगा ज्यादा होना चाहिए, इसका मान कम होना चाहिए। तो आप ही बताइए कि दो वेक्टर हो इस तरह से ऐसे, ये ज्यादा हो एक कम हो, जैसे आपको एग्जाम्पल देकर हम समझा रहे थे कि एक पत्थर है, एक लड़का इधर खींच रहा है दूसरा लड़का इधर खींच रहा है, ये मान लीजिए 10 न्यूटन है, ये मान लीजिए 6 न्यूटन है, तो पत्थर किधर जाएगा, पत्थर ऑब्वियसली इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा, इधर खिसकेगा, ये ज्यादा है ये कम है, इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी होगा इधर होगा, यानी कि E वेक्टर होगा। फिर समझ लीजिए आप, क्योंकि E1 ज्यादा था E2 कम था,
तो जो फाइनल इंटेंसिटी होगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी नेट इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं आप, इधर ना होगा राइट साइड होगा, यानी कि क्या हो जाएगा तो इवन में से एक तो क्या करेंगे हम बताएंगे, यानी कि 10 न्यूटन लग रहा था 6 न्यूटन मान लीजिए, तो फाइनली क्या होगा कि फाइनली ये समझिए ये 10 न्यूटन था, ये 6 न्यूटन था, और एक पत्थर रखा हुआ इस तरह से, और ये दो लड़के ऐसे खींच रहे हैं, ये पत्थर कहाँ खिसकेगा, इधर खिसकेगा, कितना बल से एफ इक्वल टू 10 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन बल से ये खिसकेगा। उसी तरह से यहाँ देखिए E1 वेक्टर है, E2 वेक्टर है, E1 ज्यादा है, E2 क्या है कम है, तो ये इधर खिसकेगा उधर खिसकेगा, तो क्या करेंगे हम E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो ये हुआ डायग्राम। अब देखिए पहले देखेंगे हम लोग कि प्लस क्यू आयस्कान तीव्रता यहाँ निकालेंगे हम लोग, तो अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बोल सकते हैं आप, इसे दिक्कत नहीं, तो क्या हो जाएगा E1 एक सिंगल चार्ज के कारण तीव्रता हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है क्या पढ़े हैं E बराबर KQ/R² पढ़े थे हम लोग, तो E1 बराबर KQ यानी कि Q हो जाएगा भाई R², तो आप देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ निकाल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है R माइनस L है, यहाँ होता है R², देखिए R² पे क्या आ जाएगा R - L² एक सिंगल आवेश के कारण तीव्रता हम लोग पढ़े थे ना E = KQ/R², तो यहाँ इसके कारण यहाँ तीव्रता निकाल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा E1 = KQ/R², तो R - L² हो जाएगा, ठीक है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो हो जाएगा E1 वेक्टर R कैप, या डायरेक्शन बता सकते हैं O से P की ओर राइट साइड है, तो लिख सकते हैं आप along OP, मतलब OP की ओर है, इसका मैग्नीट्यूड लिखे तो क्या आ जाएगा E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू E1 बराबर KQ/R - L² फॉर। इसी प्रकार हम प्लस क्यू आवेश कारण यहाँ तीव्रता निकाले, उसी प्रकार जो है माइनस क्यू आवेश कारण इसी पॉइंट पी पर तीव्रता निकालेंगे हम लोग, तो अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, तो क्या हो जाएगा देखिए इसको मिटाते हैं, चलिए मिटाते हैं देखिए, तो क्या हो जाएगा इसके कारण यहाँ तीव्रता क्या हो जाएगा, तो एक सिंगल चार्ज कारण फॉर्मूला पढ़े हैं E2 बराबर फॉर्मूला होता है KQ/R² होता है, एक जनरल फॉर्मूला है KQ/R², तो R में क्या हो जाएगा देखिए माइनस क्यू आवेश से यहां तक की दूरी देखिए ये वाला ये डिस्टेंस है R प्लस L है, यहाँ से यहाँ तक दूरी देखिए R प्लस L है, तो KQ/R², तो R में क्या हो जाएगा R + L² इसको वेक्टर दीजिएगा, इसका डायरेक्शन कहाँ है इस लेफ्ट साइड देखिए क्यू यानी P से कहाँ है O की ओर, तो along PO इसका अर्थ होता है की ओर, along PO मतलब P से O की ओर है, इसका मैग्नीट्यूड लिखिए तो क्या आ जाएगा E2 वेक्टर इक्वल टू E2 बराबर KQ/R + L² मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगा, तो आपको बताया गया था कि परिणामी तीव्रता E है, अब क्या करेंगे E1 में से E2 क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे, तो परिणामी तीव्रता निकलेगा लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी या कुल भी बोल सकते हैं, परिणामी विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बोल सकते हैं, उसे दिक्कत नहीं होता है। E बराबर हो जाएगा E1 - E2। अब इक्वेशन फर्स्ट में देख लीजिएगा E1 का वैल्यू है, इक्वेशन सेकंड में E2 का वैल्यू है, दोनों इक्वेशन से E1 E2 का वैल्यू रखा जाएगा, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड
इक्वल टू ई वन, तो ई वन का वैल्यू कितना था, के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ई टू का वैल्यू था के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये वैल्यू था, ई वन का वैल्यू था, ए टू का वैल्यू था। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग, देखिए कैसे सोल्व करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, देखिए अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा, इंप्लाई दैट ई इक्वल टू, देखिए के कॉमन हो जाएगा और यहां भी क्यू है, यहां भी क्यू है, वो दोनों कॉमन हो जाएगा, मतलब के और क्यू दोनों कॉमन हो जाएंगे। क्या बचेगा, वन बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस वन बाय का होल स्क्वायर, इसको एलसीएम ले सकते हैं आप, क्या जाएगा के क्यू आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करिएगा, दोनों का एलसीएम लिया गया है और एलसीएम लेकर सॉल्व करिएगा तो इतना आएगा, देखिए एक कट जाएगा तो इतना हो जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एक कटेगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहां इसको पूरा को ए मान लिया जाए और पूरा को बी मान लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसी फॉर्मूला पर मैं ब्रेक कर रहा हूं इसको, तो ए प्लस बी तो आर प्लस एल प्लस आर माइनस एल, देखिए ए प्लस बी मतलब इतना प्लस इतना, देखिए इतना प्लस इतना हो गया इन टू ए माइनस बी, तो इतना माइनस इतना आ जाएगा, एक फॉर्मूला पर तोड़ रहे हैं आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल, क्योंकि इतना माइनस इतना कीजिएगा तो ये ई माइनस हो जाएगा आर, और माइनस यहाँ लगेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ देखिए वही किए हैं ए माइनस बी तो हो जाएगा इतना माइनस आर प्लस एल हो जाएगा डिवाइड बाई आर, दोनों पे स्क्वायर यहाँ दिया गया है इसे लिख सकते हैं आप आर माइनस एल पूरा का होल स्क्वायर। देखिए के क्यू यहां देखिएगा, अब एल से एल कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आर से आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा देखिए आर प्लस आर टू आर बचेगा, यहां एल प्लस एल क्या बचेगा टू एल, यहां हो जाएगा टू आर इंटू 2l डिवाइड बाई a माइनस बी, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा फॉर्मूला पे, देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर था स्क्वायर दे दिए। अब देखिएगा क्योंकि डाइपोल मूवमेंट आपको पढ़ाया गया है, पिछले वीडियो में देखिएगा आपको डाइपोल मूवमेंट बताया गया था, उसमें कहा गया था, क्या कहा गया था कि P बराबर होता है Q इंटू टू एल, फॉर्मूला डाइपोल मूवमेंट द्विध्रुवाक घूर्ण का फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू टू एल, तो यहां देखिए यहां पे Q है यहां पे टू एल है, यहां देखिए ध्यान से ये Q हो गया और यहां क्या हो गया टू एल है, तो Q और टू एल दोनों मल्टीप्लाई में है, तो Q गुना टू एल क्या कहिएगा, Q गुना टू एल को P कहिएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा E बराबर के क्यू आर प्लस आर हो जाएगा टू आर, ए तो है टू आर सॉरी के क्यू इंटू टू एल क्या हो जाएगा P हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा टू आर और टू एल इंटू क्यू क्या हो जाएगा P, यहाँ P मैं लिख रहा हूँ और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का कोई ब्रेक ले सकते हैं होल स्क्वायर, देखिए ऐसा हो जाएगा। तो ये यह एक जनरल फॉर्मूला निकला इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल के कारण एक्सेल पॉइंट पे, के टू पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर क्वेश्चन
अगर क्वेश्चन इस तरह से है कि डाइपोल बहुत शॉर्ट है, यानी कि डाइपोल का जो लेंथ है देखिए, तो शॉर्ट डाइपोल केस में क्या करते हैं हम लोग कि एल को जीरो मान लेते हैं, आर की तुलना में एल को क्या मान लेते हैं, जीरो। जैसे मान ली डाइपोल बहुत छोटा है, अब आर जो है आप बहुत दूर ले लीजिए, देखिए हम पी पॉइंट यहाँ लिए थे ना, आप यहाँ लीजिए, अब यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए और दूर जाइए, तो आर का मान तो बढ़ हो जाएगा और एल का मान बहुत छोटा हो जाएगा उसके कंपेयर में, तो उसके कंपेयर में छोटा हो जाएगा तो एल का मान जीरो मान लेते हैं। तो यदि एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, अगर एल का मान आर से बहुत छोटा हो तो एल को लगभग जीरो मान लेते हैं। तो जीरो मान लीजिएगा तो यहाँ एल को जीरो कर दिया, हाँ याद रहे ऊपर वाला में जीरो नहीं होगा, यहाँ नीचे देखिए तो क्या आ जाएगा, ई कैन बी इक्वल टू के इंटू देखिए ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे जीरो मैंने पुट किया, इसको सॉल्व कर लिया तो यहाँ पे जाएगा आठ पॉइंट फोर के आर पावर फोर, देखिए ऐसा बचेगा। अब एक आर जो है कैंसिल हो जाएगा, देखिए इससे एक आर इसे कैंसिल हो जाएगा, देखिए कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब बच गया, यानी कि आपका आया ई बराबर के टू पी बाई आर क्यूब। याद रखिएगा एग्जाम यदि क्वेश्चन आता है तो यहां से सॉल्व करना पड़ेगा आपको, इक्वल टू के टू पी बाई आर क्यू, और बहुत शॉर्ट डाइपोल है तो ये इसका यूज करेंगे, और शॉर्ट डाइपोल नहीं है, नहीं बोलता है क्वेश्चन न्यूमेरिकल, तो वही इक्वेशन थर्ड का हम यूज करेंगे। इसका डायरेक्शन कहाँ होगा तो फिगर के अनुसार अकॉर्डिंग बताना है। देखिए फाइनल, देखिए यू और इवन फाइनल, ये फाइनल एन है, ये आपका फाइनल है यानी कि परिणामी है, तो परिणामी तीव्रता दिशा मेरे बोर्ड के अनुसार राइट दिशा में है, राइट मैंने दाहिना दाहिनी तरफ, देख लीजिए दाहिनी तरफ है मतलब डाइपोल मोमेंट दिशा में ही है, जैसे पढ़ाया गया था डाइपोल मोमेंट कहाँ होता है, माइनस से प्लस की ओर, देखिए ये डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन है, कहीं दिखा सकते हैं आप, माइनस से प्लस की तरफ होता है, ये भी देखिए इसी एरो की तरफ ये भी इंडिकेट कर रहा है, मतलब क्या परिणामी तीव्रता की दिशा जो होगा डाइपोल मोमेंट की दिशा में ही होगा या पॉजिटिव एक्सिस की ओर होगा, एक ही बात है। तो यहाँ परिणामी तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही है, होगा ये निकल गया। अब देखिए हम एक्सिस पे ज्ञात कर दिए, एक्सिस पे ई बराबर के टू के बाई आर क्यू है, इसी प्रकार हम निरक्ष पर ज्ञात करेंगे, यक्ष पर है निरक्ष पर ज्ञात करेंगे, तो देखिएगा वहां पे टू खाली हट जाएगा, के पी बाई आर क्यू लिखाएगा, दो खाली हट जाता है, याद रखिए टेक्निक से, अगर अक्ष पर निकालते हैं तो के टू पी बाई आर क्यू आएगा, और निरक्ष पर निकालिएगा तो दो खाली हटेगा, अभी मैं निकाल के बताऊंगा अगला वीडियो में। धन्यवाद, फिर आप लोग अगला क्लास में मिलते हैं, उसमें टॉपिक लेकर आएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके निरक्ष बिंदु पर यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। थैंक यू।